हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं आपको 3D स्केच की एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको 3D स्केच कैसे बनाना है 2D में, किस तरह से, यानी ये आपके जो इंटरफेस है 2D ड्राफ्टिंग का इंटरफेस है, इसमें हम 3D स्केच ड्रॉ करेंगे या आइसोमेट्रिक व्यूज हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमारे पास में दो आइसोमेट्रिक स्केच हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे यहाँ पर लेंथ, वेथ और हाइट, ऑब्जेक्ट की तीनों नजर आ रही है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप ऑटोकैड ऑन कीजिए। यहाँ पर आपके पास में ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार में आपके पास में एक, तो जब भी आप 3D स्केच ड्रॉ करते हैं तो आप ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए, और साथ में यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का ऑप्शन है या आइकन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको माउस क्लिक करें। ओके, अगेन आप देखें, फर्स्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है जहां पर की डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फॉलो करना है, और इसका हम लेफ्ट साइड व्यू लेंगे जहां से कि आपकी सारी डायमेंशन आपको नजर आ रही है, ठीक है। 25, 15 डिस्टेंस आप यहां से स्टार्ट करें, 15, 25, 25, अगेन 25, इधर 85, 80, फिर 120, 70, इस तरह से दी हुई है, सारी डायमेंशन नजर आ रही है। और यहाँ से आप देखें 20 डिस्टेंस यहाँ पर डायमेंशन नीचे दी हुई है, 20 इधर, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आपका डिस्टेंस है 40, यहाँ से आप इसकी पैरेलल लाइन को देखें, ठीक है, ये 40 डिस्टेंस, फिर यहाँ पर 30 डिस्टेंस, फिर अगेन 40, 20, फिर नीचे की तरफ 40, और ये 55 इसके पैरेलल में है। ओके, इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट की आप कॉपी करके, जो आउटर आउटर स्केच है आपकी, यहाँ पर कॉपी करके 120 डिस्टेंस में लेके जाइए। लाइन कमांड स्टार्ट कीजिए यहाँ से, और 15 डिस्टेंस हमको यहाँ पर देना, 15 ऊपर की तरफ चलेंगे, 25 डिस्टेंस, अगेन 25, नीचे 25, इधर अब आपका 85 डिस्टेंस, ऊपर की तरफ आप डायरेक्शन में 80, 20, नीचे की तरफ 40 डिस्टेंस, इंटर करना है, 30 डिस्टेंस, इंटर, अगेन 40, इंटर, 20, इंटर, 40, इंटर, देन 55, इंटर, और यहाँ पर क्लोज कर लीजिए, सी इंटर, ठीक है। अगर आप कमांड से बाहर नहीं जाते हो तो क्लोज कर लीजिए। यहां से आप कॉपी करें ऑब्जेक्ट की ये लाइन, ओके, इस लाइन की आप कॉपी करें, बेस पॉइंट माउस क्लिक करें, F5 प्रेस करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, और यहां से 120 डिस्टेंस आप दे दें। अगेन लाइन ड्रॉ करें, पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर मिला लें, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये आपके 100 डिस्टेंस में, यहाँ पर 100, और इधर आप 30 डिस्टेंस देंगे, और यहाँ पर वापस माउस क्लिक कर दें, ठीक है। लाइन कमांड से वापस इसको पूरा लाइन आप ले लीजिए यहाँ पे, ये पीछे की लाइन आपको डिलीट करनी है, इन लाइन को आप हटा दीजिए, और जे इंटर करके आप ज्वाइन कर दें दोनों लाइन को, ठीक है, ये लाइन आपकी ज्वाइन हो जाएगी। कमांड का आपको मालूम होना चाहिए, कमांड कहाँ कौन सी कमांड यूज में आती है, कॉपी कमांड, ज्वाइन कमांड, ओके, मूव कमांड, ये सब कमांड आपको यहाँ पर आनी चाहिए। वापस लाइन को सीधे पॉइंट को आगे बढ़ाइए और यहाँ से ट्रिम कीजिए, ठीक है। लाइन कमांड यहाँ से वापस स्टार्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा क्रॉस, इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हुए आगे लेके जाइए, यहाँ से भी आप लाइन दें, F5 प्रेस करें, जो कि आपके पास वर्टिकल लाइन
ठीक है, कर्सर के नीचे की तरफ आए, टी आर डबल इंटर, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहां पर आप देखें तो 150 डिस्टेंस, 65 डिस्टेंस, और ये आपका 20 डिस्टेंस, अगेन नीचे की तरफ 15, यहां से भी आपकी जो डिस्टेंस है 40। ठीक है, ये सारी डायमेंशन आपको दी हुई है, तो हम यहाँ से राइट साइड से राइट साइड कर्सर की पोजीशन लेंगे और फिर स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखें, लाइन कमांड आप देंगे तो 150 डिस्टेंस आपको यहाँ पर देनी है, 65 ऊपर की तरफ, अगेन 20 डिस्टेंस और 15 नीचे की तरफ, वापस यहाँ से लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड में, ये डिस्टेंस आपकी 40। ठीक है, ये 40 डिस्टेंस आपको यहाँ पर दी हुई है, ये डिस्टेंस आपकी 90 है, फिर ऊपर 15, फिर 20, फिर नीचे 15, 90, 15, 20, 15, और इसको मिला लीजिए आप यहाँ से इस पॉइंट से, इनकी कॉपी करें, ये लाइन ठीक है, ऊपर की लाइन की कॉपी आपको करनी है, इंटर, यहाँ से बेस पॉइंट पकड़िए, F5 प्रेस कीजिए, और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पर जा रही है 100 डिस्टेंस। ओके, 100 लाइन कमांड, यहां से आपकी डिस्टेंस 30, ऊपर की तरफ 20, अगेन 40, 20, और ये डिस्टेंस आपकी वापस 30। ठीक है, इसको मिला लीजिए आप यहां से पॉइंट टू पॉइंट, आप यहां पर मिला लें, ओके, और यहां से आप लाइन ड्रॉ करके, या आप कॉपी का ऑप्शन लेके लाइन जो आपकी 100 डिस्टेंस पे एक लाइन बन रही है इसकी भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन तो आप डिलीट कर दें और इसको ट्रिम कर दें, ये अधूरी लाइन आपको आधी दिखेगी यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, F5 प्रेस करते हैं, थोड़ा आगे ले लें, इसको ट्रिम कर दें। ठीक है, तो जो हमारे आई कॉन्टेक्ट में एजेस होगी, ठीक है, वही आपको दिखाई देगी। तो ये हमारा 3D स्केच है, डायमेंशन हमको यहाँ पर देनी है, डायमेंशन के लिए आप यहाँ से सिंपल सा इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट को ऑफ करें, DAL डायमेंशन अलाइन, ये लेंथ, ये लेंथ, अगेन ये, इसकी डिस्टेंस आपकी यहां पर जाएगी, DAL, ये भी ठीक है, तो यहां से आपके ऐसे एक बार ऑन करके लाइन और DAL अब सबको यहाँ पर एक ऑप्शन आपके ओब्लिक का आता है। ठीक है, डायमेंशन में अगर ओब्लिक करेंगे
पहले तो इन डायमेंशन को आप सिलेक्ट कीजिए और इसको आप 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से सीधी लाइन ये आपकी आ जाएगी। सेम इसी तरह से ऑब्लिक डायमेंशन में जाके तीनों को सेलेक्ट करें और ये 14 120 और इसके 90 डिग्री आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो इसको सेट करके आप यहाँ पर क्लिक करें। सेम यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, इसके 30 डिग्री पर आपको इसको ऑब्लिक करना है, ठीक है। डायमेंशन में ऑब्लिक में जाएंगे, डायमेंशन को सिलेक्ट करें 1 बाई 1 और इंटर करके 30 डिग्री कर दें, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन आपकी 30 डिग्री, तो ऑब्लिक में 30 माइनस 30 और 90 माइनस 90 पर आपका एंगल जाएगा। इस तरह से इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। और एक डायमेंशन आपकी यहाँ से DAL इंटर डायमेंशन अलाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर भी आपके थोड़ा सा इसको आगे कर लीजिए। DAN सॉरी ऑब्लिक में जाएंगे, डायमेंशन ऑब्लिक इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें इंटर और इसको 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री पे नहीं आता है तो इसको -30 आप कर दीजिए, ठीक है। इंटर -30 इस तरह से। क्लियर, ये इस तरह से डायमेंशन आपको सेट करना है। अगेन DL और इसको भी आप यहाँ से ऑब्लिक कीजिए, डायमेंशन ऑब्लिक सेलेक्ट कीजिए और इसको -30। क्लियर, तो ये आपकी डायमेंशन है। वापस आप यहाँ पर भी चलें, DAL यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके, और ये डिस्टेंस आपकी, ये, ठीक है। देन ये वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, आप एक एक करके इनको ऑब्लिक कीजिए, ठीक है। डायमेंशन ऑब्लिक ये वाली डायमेंशन आप पहले इनको सेलेक्ट कीजिए जो 90 डिग्री पे आप भी जाएगी, ठीक है। इंटर, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये डायमेंशन आपकी, वापस डायमेंशन में जाएंगे ऑब्लिक, ये वाली ये डायमेंशन इंटर 30 डिग्री, ठीक है, -30। और ये आपका 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे वापस आप डायमेंशन में जाएंगे ऑब्लिक और इसको सिलेक्ट करके 90 डिग्री आप यहाँ पर, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप पीछे भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी ये डायमेंशन आपकी बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। और इसको आप करके सेव कर लें, ठीक है। तो ये हमारी आज की पहली एक्सरसाइज, ओके। और आप एक एक करके यहाँ पर अभी हम कंटिन्यू 4-5 ऐसे एक्सरसाइज लेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को लेके आएंगे, ओके। थैंक यू।